जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, मध्य प्रदेश से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, टोटल 2557 वैकेंसियाँ हैं और सब इंजीनियरिंग की वैकेंसियाँ हैं। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है इसमें जब आप यहाँ पर लग जाओगे, ठीक है। तो अब इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बिल्कुल फुल डिटेल से बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन कौन यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या चाहिए, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो देखो, इस वैकेंसी के संबंध में आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, मध्य प्रदेश से सब इंजीनियर की वैकेंसियाँ निकली हैं, इसमें कुछ ड्राफ्ट मैन की भी वैकेंसियाँ निकली हैं और इसके अलावा बताऊँ प्यारे साथियों, यहाँ पर ओवरऑल आउट ऑफ मध्य प्रदेश वाले कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ओवरऑल पूरे भारत के लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसियाँ की। देखो, इसमें टोटल तीन प्रकार की वैकेंसियाँ हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 2198 वैकेंसियों का, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं 111 वैकेंसी और बैकलॉग की वैकेंसी हैं टोटल 248। इस तरीके से यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं 2557। अब यदि मैं यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो देखो, यहाँ पर इसकी जो एज लिमिट है वो मेंशन की गई है 18 से 40 साल। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर इस तरीके से आपको छूट मिलेगी, यदि आप मध्य प्रदेश के हो और आप SC ST से हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, और यदि आप मध्य प्रदेश से हो OBC से हो तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। ध्यान रखना, आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी भी स्टेट से हों और चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, आप यहां पर केवल जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे, ठीक है। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि यहां पर मैं बात करूं इसकी, सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करें, देखो यहां पर टोटल तीन प्रकार की वैकेंसियाँ हैं, एक है उपयंत्री, दूसरा है मानचित्रकार, तीसरा है समयपाल, और समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में संशोधित सूचना। देखो, आपके जो फोरम है वो स्टार्ट होंगे 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2022 तक, मात्र 16 दिन तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आपको फॉर्म में संशोधन कर पाएंगे। आपके फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई तो उसको सुधारने का मौका मिलेगा आपको। इसके अलावा यदि यहाँ पर हम बात करें आपके एग्जामिनेशन डेट, तो 24 सितंबर से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर ये इस तरीके से प्रथम पारी और द्वितीय पारी में पेपर का बताया गया है कि आपका किस तरीके से पेपर होने वाला है। इसके अलावा यदि हम फॉरम फीस के बारे में बात करें, देखो आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी और रीवा, ये कुछ सिटी हैं जहां पर आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। फॉरम फीस के बारे में बात करें, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर 500 रुपये फीस है। आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा जितने किसी भी स्टेट से हो आप, चाहे फिर किसी भी कैटेगरी से हो, आप सभी यहां पर जनरल में काउंट होंगे। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर 250, ठीक है। OBC, SC, ST, लेकिन वो केवल मध्य प्रदेश के हों तो उनकी फीस यहाँ पर 250 लगेगी। सीधी भर्ती बैकलॉग, यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है और यहाँ पर यह बताया हुआ है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सबसे मेन कि यहाँ पर कौन कौन फॉरम अप्लाई कर सकता है। देखो, फॉरम के बारे में अभी तक यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि इसका फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो, एक तो जिनके पास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है या फिर कोई उसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, सिविल या ड्राफ्ट्समैन है, तो वो सभी के कैंडिडेट यहाँ पर फॉरम अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर BTech, पॉलिटेक्निक और ITI, इन तीनों को मौका मिल जाए, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यहाँ पर किन किन को मौका दिया जाएगा, इंजीनियरिंग वालों को दिया जाएगा, पॉलिटेक्निक वालों को दिया जाएगा, ITI वालों को दिया जाएगा या फिर सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट को दिया जाएगा, ये तो हमें तभी पता चल पाएगा जब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चलेगा, ठीक है। बाकी ये एक अनुमान है कि हो सकता है कि ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई करवाया जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय। बाकी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इस वैकेंसी से ऑलवेज अपडेट रखूँगा।